वो किया जा रहा है ताकि इंडियंस की तरफ हेटरेड हो पाकिस्तानीज का हमेशा। मगर फिर भी कहीं कहीं से आपको खबर आती होगी पूनम कृष्ण जी के साथ जो हुआ शोपियन में, राहुल भट्ट के साथ जो हुआ, the frequency is very less, मगर होता है अभी भी। तो उनको डर लगता है कि अगर हम आए, अब शायद वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको वीजास देने लगे ताकि वो यहाँ आकर खुद देखें कि क्या हो रहा है। ये तो भाई नहीं होने वाला, डिसएडवांटेज है, बिकॉज आपको पता है ड्रग लाइन कौन सी है, वो गोल्डन लाइन कौन सी है ड्रग्स की, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू आता है कश्मीर में। सेल्फ क्रिएटेड हिस्ट्री बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड न्यूज बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड आइडियोलॉजी बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव बनाएंगे, और दूसरा सामने वाला जो भी बोलना चाहे उसको डिनाई करेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे। देखिए जैसे आप अपने शोज में हमेशा खुद कहते हो, मैंने देखा है कि आप खुद कहते हो कि पाकिस्तानी जो है इंडियंस के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन के रहेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कश्मीरी उनको लाने के लिए तैयार है। शारदा पीठ जैसे रेडी हुआ, शारदा पीठ में एक एक पत्थर जो है कश्मीरी मुस्लिम ने अपने सर पे उठा के वहां जाके रिस्टोर किया है टेम्पल को, क्यों किया? और ऐसे चलिए वो तो न्यूज में आया है, छोटे मोटे जो टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे गाँव में जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं उनको भी रिस्टोर किया, क्यों? लोकल्स ने, क्योंकि वो यही दिखाना चाहते हैं, वी वॉन्ट यू बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कश्मीर आया हुआ हूँ, और कश्मीर में अगर मैं आऊं और जो कश्मीर की रियल आवाज है, जो कश्मीर की आवाज है, अगर मैं उनसे ना मिलूं तो मेरा कश्मीर ट्रिप ही खराब हो जाता है। जरा सुनिए। तो मेरे साथ में याना मीर जी, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इनको सब लोग प्यार करते हैं और इनको सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो याना मीर जी, आप जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लेकर हो, चाहे इंडिया को लेकर हो, उन लोग भी आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बताइए। आप पूछे मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का रीजन क्या है? जी, आपको इतनी एनर्जी आप अंदर आप अपने अंदर लाते कहां से? देखिए, इट इज गॉड गिफ्टेड, इट्स गॉड गिवन, एंड मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिसको मौका मिला यहाँ पढ़ने का भी, मतलब अपने स्टेट में भी और बाहर पढ़ने का भी। तो मैं स्टेट के बाहर भी पढ़ी हूँ। तो क्या है कि एक मैं आई हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है एक इंसान का, और एक्सपोजर होता है, एजुकेशनल एक्सपोजर। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है और अब वो टाइम आ गया है कि मैं वो शेयर करूं अपने लोगों के साथ भी और दुनिया के साथ। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी जो हमेशा कश्मीर को लेके एक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि उनके, आज भी आपके जो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, आज भी पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर में छपा है कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आज की डेट की बात है ये। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने प्रोपेगेंडा तो इतना हद तक वहाँ पे बढ़ चुका है कि मैंने कुछ कमेंट्स देखे अपने यूट्यूब चैनल पे, नीचे पाकिस्तानी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि हम तो आपके लिए इतना रोते हैं और हमारे यहाँ जो ओल्ड लेडीज हैं वो आपके लिए दुआएं करती हैं, और यहाँ तक कि हमारे ट्रेनों में भी पोस्टर्स लगे होते हैं कि किस तरह जुल्म कर रही है आपकी गवर्नमेंट आप पर, लेकिन आपको मतलब सिर्फ हमारी बेइज्जती करनी आती है, वो ये कह रहे हैं। अब आप बताइए इस सिचुएशन में क्या किया जाए? एक तरफ उनको गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है, और उनकी किताबों में, स्कूल बुक्स में, उनकी तालीम में उनको इस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, ये बोल बोल कर कि कश्मीर में जुल्म किया जा रहा है। एक्चुअली वो सिंपैथी कश्मीर के लिए जगाने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो किया जा रहा है ताकि इंडियंस की तरफ हेटरेड हो पाकिस्तानीज का हमेशा। दैट इज द मेन मोटिव, मेन पर्सपेक्टिव ये है उनका कि पाकिस्तानी हमेशा जो है इंडिया से नफरत करता रहे, इंडियंस से नफरत करता रहे। कश्मीर को एज अ बेट यूज किया जा रहा है कि भाई, क्योंकि कश्मीर इज अ मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट और बिकॉज नाउ यूनियन टेरिटरी एंड बिकॉज वी शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो बस हमें यूज किया जा रहा है एज अ बेट टू हेट इंडियंस। ये चीज है। मैंने देखा कि आप काफी वीडियो भी बनाते हैं, आप पाकिस्तानी को काफी रिप्लाई भी करते हैं, खासतौर से इंटरव्यू में तो पाकिस्तानियों की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। तो इन पाकिस्तानियों का इलाज क्या है? ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए जैसे आप अपने शोज में हमेशा खुद कहते हो, मैंने देखा है कि आप खुद कहते हो कि पाकिस्तानी जो है इंडियंस के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन के रहेंगे, उन्होंने अपने आप को या इस पोजीशन पे लाया है। जबकि हम तो स्पेस में पहुंच गए हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का इलाज क्या है? देखिए ये कुछ ऐसा, देयर आर सम थिंग्स व्हिच जिसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन ये लगता है, मतलब उनको खुद अपने अंदर झांक के देखना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज क्या है। सेल्फ क्रिएटेड हिस्ट्री बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड न्यूज बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड आइडियोलॉजी बनाएंगे, सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव बनाएंगे और दूसरा सामने वाला जो भी बोलना चाहे उसको डिनाई करेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे। ऐसा तो नहीं चलती ना दुनिया। आप हर एक चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे, आप यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करोगे, जो भी चीज हिंदुइज्म से रिलेटेड है अपनी लैंड में वो डिस्ट्रॉय करोगे। आपको ये जताना है कि आपका इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं, हिंदूज के साथ कोई कनेक्शन नहीं। आप इस तरह की हरकतें, मतलब डिनायल मोड में कब तक रहोगे? लोग तो इनको समझेंगे ना कि इनको कुछ बीमारी है दिमाग की, कि कितना ऑल्टरेशन अमेंडमेंट कितना करेंगे सच्चाई की। एक कहीं तो हद होनी चाहिए। और हर बार जब कोई उनको बोलने की कोशिश करता है कि भाई साहब ये बहन जी जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा है, उसी को झूठा बोल देते हैं बिना देखे, बिना ट्रैवल की। अब शायद वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको वीजास देने लगे ताकि वो यहाँ आकर खुद देखें कि क्या हो रहा है। ये तो भाई नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी हमने उनपे ट्रस्ट किया उन्होंने हमारे ट्रस्ट को बैक स्टैप किया। उनको हम वीजा देने लगेंगे, टूरिज्म की आड़ में पता नहीं क्या करेंगे यहाँ आकर, ट्रेड की आड़ में पता नहीं क्या ड्रग्स भेजेंगे, क्या वेपन्स भेजेंगे वहां से। तो हमें उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो ये तो हम नहीं कर सकते कि अपने बॉर्डर्स उनके लिए खोल दें ताकि वो आगे, इतना उनका अप्रूवल हमें इतनी मायने नहीं रखता। ठीक है ना कि हम उनको प्रूव करते रहे कि यहाँ पे सब ठीक है। उनका अप्रूवल हमें कोई मायने नहीं रखता, ये उनको समझने की जरूरत जी है। देखो आज के कश्मीरी नौजवान। तो मेरा आपसे एक सवाल और था याना जी, कि मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मतलब एक ड्रग्स का भी बताया कि कश्मीर के अंदर ड्रग्स का मतलब बहुत तेजी से ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कि कश्मीरी युवा आजकल ड्रग्स में इन्वॉल्व? इट इज अनफॉर्चुनेट, हाँ, क्योंकि देखिए हम बॉर्डर पे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारा हमें सहना पड़ा है, हमने बहुत सहा है बॉर्डर पे होने की वजह से। ये पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट और ड्रग्स एक और डिसएडवांटेज है, बिकॉज आपको पता है ड्रग लाइन कौन सी है, वो गोल्डन लाइन कौन सी है ड्रग्स की, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू आता है कश्मीर में। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वल्नरेबल हैं इस चीज से। लेकिन हालांकि जो हमारे फोर्सेस हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पे काबू करने की, मगर फिर भी जो है पहले से देखिए नफरत फैलाने का एक रीजन ये भी है कि ड्रग्स का बिजनेस यहाँ फैला रहे और एक अरसे से आपको पता है कितने सालों से ये रेजिस्टेंस, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडिया ये चल रही है 30-40 सालों से। नफरत फैलाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि जब इंसान के अंदर नफरत होती है तब वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स। और जब इंसान के अंदर प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक प्रेम, क्षमा, त्याग की जो हमारी जो है ना वो इंडियन वैल्यूज जो हम प्रमोट करते हैं, जब वो फीलिंग्स होती है तो इंसान ड्रग्स वग्स की तरफ जाता ही नहीं, वो उन चीजों को, वो योगा की तरफ जाता है। जब हेट्रेड होता है ना तब ऐसी चीजों का कंजम्पशन होता है क्योंकि तब फ्रस्ट्रेशन होता है। हेट्रेड लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। तो वो नैरेटिव यहाँ पे जिंदा रखने का एक और रीजन था कि ड्रग्स का यहाँ पर बिजनेस पनपता है। तो अब धीरे धीरे जैसे नफरत खत्म हो रही है, जैसे 370 हटा, एक तरह से मैं मानती हूँ कि एक फोर्सफुली कश्मीरियों को शेक करके दिखाया जा रहा है कि हम आपके दुश्मन नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये करने की कोशिश कर, और आज 3 साल बाद कश्मीरी खुद देख सकता है कि यहाँ पर कितना बदल चुका है। तो नफरत जब खत्म होती है तो धीरे धीरे ड्रग्स भी खत्म होगा। एज हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे, लोग उन चीजों में बिजी हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, रेजिस्टेंस होगा नहीं, ड्रग्स भी कम हो जाएगा। तो याना जी मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने जस्ट जिस दिन मैं निकल रहा था उस दिन मैंने आपका एक वीडियो देखा, आपने सब्जी मंडी गए थे और जो पाकिस्तान की जो पीओके के जो रेट है सब्जियों के और जो इंडिया के रेट है वो उन पाकिस्तानियों को दिखाया आपने। तो वो वीडियो बनाने के बाद में, मतलब लोगों से बात करने के बाद में, और जो कमेंट्स आपके पास में आए इंडियन और पाकिस्तानियों का, तो उसका एनालिसिस क्या बोलता है? उसका एनालिसिस ये बोलता है कि पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि कश्मीरी जो है जिनसे भी मैंने उस दिन इंटरेक्ट किया सब्जी मंडी पे, वो सडनली अपनी गवर्नमेंट को लेके, इंडिया को लेके बहुत प्राउड फील करने लगे। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते हैं लेकिन ग्राउंड पे ये देखना थोड़ा कम होता है। तो जब वो इतने प्राउड फील करने लगे, अरे यार सच में ये तो बता रही है वहाँ रेट्स ऐसे, फिर वो गूगल करने लगे, फिर उनको पता चलने लगा, फिर वो कहते हैं कि, फिर वो तेल की बात करने लगे, यहाँ तेल की प्राइस भी कम हो गई, यहाँ हमारी गवर्नमेंट बहुत करती है, ये करती है, सब खुश है, चावल के रेट्स कम हो गए, ऐसे ऐसे, मतलब वो बोलने लगे, उनको खुशी होने लगी अंदर से, प्राउड होने लगा। तो और अब लेकिन वहां वालों को ऑब्वियसली गुस्सा आने लगा। अब उनको समझ नहीं आ रहा है वो सोचते थे कि चलो हम किसी यूट्यूबर को झूठा बता दें, याना को झूठा बता दें, याना जैसे और यूट्यूबर्स हैं उनको झूठा बता दें, लोग जो ग्राउंड पे बता रहे हैं उनको कैसे हम झूठा बताएं। तो ये चीज हो गई। और सबसे कमाल की बात है, याना जी ने अपने उस वीडियो के अंदर कश्मीरी भी बात की है, उर्दू भी बात की, ताकि लोगों को बिल्कुल शक ना हो कि भाई ये कश्मीरी है, हाँ कि कश्मीरी है। ये इन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल पक्का काम किया। थैंक यू सो मच। तो याना जी, आप तो यहाँ कश्मीर में रहते हैं, तो आप मुझसे बेहतर यहाँ कश्मीर को जानते हैं। तो कश्मीरी पंडित जो पहले यहीं पे रहा करते थे और कश्मीरियों का वजूद यहाँ पर होता था, कश्मीरी पंडितों का, तो वो कब तक पुनर्वास उनका हो सकता है? क्या प्रक्रिया चल रही है गवर्नमेंट की? क्या कश्मीरी उनको वापस से अपना बनाएंगे? क्या है थोड़ा बताइए। देखिए, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या है कि उन लोगों को खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जब भी शायद सोचते होंगे वापस आने का, फिर यहाँ पर किसी ना किसी की हत्या हो जाती, किसी ना किसी को कहीं दूर दराज गाँव में मारा। पहले की तरह तो नहीं है, उस तरह की उस लेवल ऑफ दहशतगर्दी तो है ही नहीं, मैं बता दूं। मगर फिर भी कहीं कहीं से आपको खबर आती होगी, पूनम कृष्ण जी के साथ जो हुआ शोपियन में, राहुल भट्ट के साथ जो हुआ, the frequency is very less, मगर होता है अभी भी। तो उनको डर लगता है कि अगर हम आए, गवर्नमेंट जॉब्स को ठोकर मार के वो भाग गए वापस जम्मू जहां से भी आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं हमें यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया अनफॉर्चुनेटली वो दे नहीं सके। उनको प्रॉमिस किया गया था जॉब्स, ठीक है जॉब्स मिली उनको, वो आने लगे यहाँ काम करने, लेकिन उनको फिर गवर्नमेंट बोलती है अब अपने गारंटी पे जाना, हमें नहीं पता, जान की गारंटी खुद लेना। अब वो बेचारे कैसे रहेंगे? फिर जब वो जाते हैं वापस तो 4-4, 5-5 महीने तक गवर्नमेंट ने उनको सैलरी नहीं दी। वो कहते हैं आप हमारी जान की गारंटी भी नहीं देते, आप सैलरी भी नहीं दोगे। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपने 4 महीने नौकरी नहीं की तो हम आपको। तो ये चीज जो है उनके साथ अभी भी जो है ज्यादती हो रही है। अभी इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बेचारे जब वो रिस्क लेकर आने के लिए तैयार होते हैं, फिर यहाँ ऐसे हादसे हो जाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल इसमें ये भी था, क्या कश्मीरी उनको अपनाने को तैयार है? कश्मीरी तो कब से वेट कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन ये देखिए, सिक्योरिटी के मसले हमारे हाथ में नहीं होते, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कश्मीरी उनको लाने के लिए तैयार है। शारदा पीठ जैसे रेडी हुआ, शारदा पीठ में एक पत्थर जो है कश्मीरी मुस्लिम ने अपने सर पे उठा के वहां जाके रिस्टोर किया है टेम्पल को। क्यों किया? और ऐसे चलिए वो तो न्यूज में आया है, छोटी मोटी जो टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे गाँव में जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं उनको भी रिस्टोर किया। क्यों? लोकल्स ने, क्योंकि वो यही दिखाना चाहते हैं वी वांट यू बैक। क्योंकि जब वो यहाँ से गए, उनका जाना भी ये लोकल्स नहीं चाहते थे, ये फॉरेन टेररिस्ट के डर से लोकल्स चुप रहे उस वक्त। लेकिन आज वो पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से कि उनको वापस लाएं, लेकिन जब तक उनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं हो जाता पूरी तरह 100%, तब तक मुझे लगता है कि वो डरते ही रहेंगे वापस। जी, बिल्कुल सही बात है। जाने तो जाने, भाई नौकरी का क्या करेंगे जब जान ही नहीं रहेगी। और जब तक पूरी उनको सिक्योरिटी का ट्रस्ट ना हो जाए एक बार, और थोड़ा माहौल और पॉजिटिव ना हो जाए कश्मीर का, तब तक वो भी कैसे आएंगे, सोचने वाली बात है। तो सरकार को, उंगलियां उठाने वाले लोगों को तो यही जवाब है कि भाई थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, एक दिन उनके भी अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और याना जी, आप तो यहाँ कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर का टूरिज्म लास्ट ईयर सबसे पीक पे गया था, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने। हमारे चैनल को ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देखते हैं, काफी लोग देखते हैं, बड़ा प्यार भी देते हैं। तो आप हमारी आवाम को, हमारे व्यूवर्स को कश्मीर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कश्मीर, आप लोग प्लीज कश्मीर विजिट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। टूरिस्ट के लिए जो है कश्मीर हैज नेवर बीन डेंजरस। यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ख्याल रखा जाता है। इवन पिछले साल जब मैंने वैसे टूरिज्म पे रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया, प्लीज उसको देखिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और याना जी का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इनके वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जयपुर से आए हैं, मैं खुद जयपुर विजिट कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों को बोला आप प्लीज जयपुर विजिट कीजिए। और इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि आप सब भी, अगर आपने अभी तक कश्मीर नहीं देखा है तो प्लीज कश्मीर विजिट कीजिए। कश्मीर वाकई में बहुत खूबसूरत है, और मतलब इतने अच्छे लोग हैं और इतना अच्छा वेलकम करते हैं आपका जो सुन रखा है ना लोगों के मुंह से, और जो देख रखा है, और आके खुद फील करोगे ना, तो आप बिल्कुल मतलब जवाब नहीं रहेगा। आप बोलोगे कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि कश्मीर में ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग कश्मीर आइए और कश्मीर को देखिए, और कश्मीर काफी खूबसूरत है। तो हम एक और सवाल करते हैं याना जी से। तो याना जी, आप जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में घूमी हो, तो कश्मीर के अलावा आपको हिंदुस्तान में और कौन सा शहर जो आपको बहुत पसंद आया? मैं और किस रीजन से? पूरे हिंदुस्तान तो अभी नहीं घूमी हूँ, लेकिन कश्मीर के अलावा मुझे मुंबई पसंद है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ी भी हूँ, वहाँ रही भी हूँ। और इट इज आई थिंक इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी जो हर किसी को वेलकम करती है, एट द सेम टाइम अपना कल्चरल आइडेंटिटी नहीं खोती है जी। तो वहां पर जैसे ना जो बाहर से आते हैं वो खुद मराठी सीखते हैं, हालांकि मैं नहीं सीखी हूँ इतने सालों में भी अभी तक, लेकिन लोग वहां पर जो दूसरे स्टेट से आते हैं वो भी फ्लुएंट मराठी बोलते हैं। और जो वहाँ के गणेश फेस्टिवल और वो सब जो लोकल फेस्टिवल्स, उसमें हर स्टेट से जो लोग आते हैं, हर कौम के लोग इनफैक्ट उसमें हिस्सा लेते हैं। वहाँ का जो खाना है, वड़ा पाव, पाव भाजी, वो हर स्टेट से जो भी वहाँ आता है वो उसको एंजॉय करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। तो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी ना खोते हुए भी मुंबई ऐसी नगरी है जिसने सबको अपनाया है। तो दैट इज माई फेवरेट सिटी। और यही हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, जो मुंबई का कल्चर है कि हम एक दूसरे को अपनाते हैं, एक दूसरे भले कितने परस्पर विरोधी हो लेकिन एक जगह साथ हो जाते हैं। भले कश्मीर ने बहुत बुरा वक्त देखा हो, लेकिन आज इन जैसे कश्मीरी खड़े हो रहे हैं, कश्मीर को आगे बढ़ा रहे हैं, और कश्मीर की जो दशा और दिशा जो खराब थी उसको धीरे धीरे लाइन में लाने में इन जैसे नौजवानों का भी काफी सहयोग है। तो याना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, अपना कीमती समय दिया। और आप लोगों को क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सवाल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम और बता देता हूँ कि याना जी का चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनके चैनल पे भी जाके इनके वीडियो देख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है, और अब ऐसे इंटरव्यू वीडियो भी आपको अगर पसंद आएंगे तो ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।